यूपी बीजेपी में अब ऑल इज वेल का माहौल है। वजह है सरकार संगठन और संघ का समन्वय। इसमें पार्टी के भीतर मतभेद से लेकर चुनाव जीतने की रणनीति तक पर गहन मंथन हुआ। दो टूक बातें हुई, संघ की तरफ से सीधी सलाह दी गई। कहा गया कि मतभेद हो तो बड़े नेता आमने सामने बैठकर संवाद करें, समाधान निकालें। संकेत है कि उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी को संघ के स्वयंसेवकों का भी पूरा साथ मिलेगा। यूपी बीजेपी के भीतर खटपट की खबरें अब थम चुकी हैं। वजह है बीजेपी सरकार संगठन और संघ की समन्वय बैठक। बीजेपी और संघ के बीच समन्वय की जिम्मेदारी संभालने वाले आरएसएस के सह सर कार्यवाह अरुण कुमार के साथ बुधवार रात यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, जो करीब 3 घंटे तक चली। इसमें सबको साथ मिलकर चलने की नसीहत दी गई। सरकार संगठन और संघ की ये समन्वय मीटिंग मुख्यमंत्री आवास पर हुई, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी साथ बैठे। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और आरएसएस के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के प्रचारक भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक संघ की ओर से ये नसीहत दी गई है कि बीजेपी के नेता एक होकर के चलें और दुष्प्रचार का एक होकर के मुकाबला करें। खास बात यह है कि ये नसीहत तब सामने आई है जब विपक्ष बीजेपी में मतभेद की खबरों को लगातार तूल दे रहा है। सूत्रों की माने तो समन्वय मीटिंग में संघ की तरफ से कई खास सलाह दी गई। सरकार और संगठन के नेताओं से कहा गया कि एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम का इजहार करें, कौन बड़ा कौन छोटा की बहस को रोका जाए, ऐसी स्थिति से बचना चाहिए, मतभेद हो तो आपस में बैठकर संवाद करें और समाधान निकालें, मीडिया में बयान देने और गुटबाजी से बचें। संघ ने ये भी नसीहत दी कि दूसरे दलों से आए लोगों के मुकाबले पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं पर ज्यादा भरोसा किया जाए। इस बैठक में संविधान को खत्म करने के विरोधी दलों के दुष्प्रचार को कैसे बेअसर किया जाए, इसे सबसे बड़ा चैलेंज माना गया। इसके साथ ही जातिवाद के काट को लेकर हिंदुत्व पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। कार्यकर्ताओं और जमीनी नेताओं के मनोबल को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो ये तय हुआ कि पार्टी के निष्ठावान और पुराने कार्यकर्ताओं के समायोजन पर जोर दिया जाए। इसके लिए जल्द से जल्द बोर्ड निगम निकाय में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने पर सहमति बनी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।